फ्रेंड्स, कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। ये वीडियो लगभग 3 दिन में ही 62 मिलियन क्रॉस कर गया था और ये वीडियो कैरी मिनाटी का मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी बन गया था। लेकिन ये वीडियो अचानक डिलीट कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था उसमें से बहुत सारे लोगों का इस टॉपिक का वीडियो डिलीट कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे अभी भी वीडियो है जो अभी डिलीट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि एब्यूजिव वर्ड यूज़ करने से शायद वो इसलिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसका मेन रीज़न यह नहीं है। इसका मेन रीज़न है साइबर बुलिंग हरेसमेंट पॉलिसी। अब ये क्या होता है समझिए। अगर आप जाति, धर्म या ऐसी कोई बातें जिनसे हिंसा भड़काई जा सके या किसी के खिलाफ नफरत घोरी जा सके, इस तरह के वीडियो यूट्यूब के नज़र में आती है तो यूट्यूब उसे रिमूव कर देता है। और अगर लोग उसको रिपोर्ट करते हैं तो भी यूट्यूब के नज़र में आता है तो यूट्यूब उसका रिव्यू करता है और उसको अगर सही लगता है तो वह रिमूव नहीं करता है, और अगर उसको कुछ गलत लगता है तो वह रिमूव कर देता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरनेट पे किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा। फ्रेंड्स, कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट हो जाने से टिकटॉकर को लग रहा है कि ये सही हुआ है और यूट्यूबर को लग रहा है कि ये गलत हुआ है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि इस वीडियो को वापस भी लाया जा सकता है। अगर वो क्रिएटर यूट्यूब से अपील करता है, अगर यूट्यूब को सही लगेगा तो वह वापस भी कर देगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल आप लोग को ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।